सुनकर आपको अपना यूट्यूब चैनल प्रीति भाई श्रोता में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोग को बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं, आप लोग मैट्रिक और इंटर में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो आप लोग मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं, और साथ ही आप लोग को स्कूल और कॉलेज की तरफ से कौन कौन से डॉक्यूमेंट अर्थात कागजात मिलने वाला है उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए आज मैं आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा उसके बारे में बताएंगे। इसीलिए आप को लास्ट तक देखिएगा, हो सके तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज मैं आप लोग स्क्रीन में बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा उसके बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं जैक अर्थात एकेडमी की ओर से आप लोग को 5 डॉक्यूमेंट मिलेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, और साथ ही आपको कॉलेज तथा स्कूल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिलने वाला है उसके बारे में भी बताएंगे। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। और हाँ, आप दोस्तों जरूर से जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एड करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर 1 में हमारा रहेगा रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट में हम लोग जैक की तरफ से मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा हम लोग को रजिस्ट्रेशन, जिसको हिंदी में बताते हैं पंजीयन। अर्थात आप लोग को पहला डॉक्यूमेंट मिलेगा रजिस्ट्रेशन, इसके बाद आप लोग को दूसरा डॉक्यूमेंट के रूप में मिलेगा एडमिट कार्ड। दूसरा का डॉक्यूमेंट होगा आपको एडमिट कार्ड, लेकिन आपको पहले भी एडमिट कार्ड आपको 2 एडमिट कार्ड मिला था, जिसमें टर्म 1 की एडमिट कार्ड था और टर्म 2 के एडमिट कार्ड था। वही भी आपको एग्जाम की दृष्टि के लिए ही बनाया गया था, लेकिन आप लोग का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अर्थात आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड जैक की ओर से फाइनल एडमिट कार्ड के रूप में मिलेगा। दूसरा हो गया, और तीसरा का आप लोग को मिलेगा मार्कशीट अर्थात अंक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट। अर्थात आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट मिलेगा, तीसरा में आप लोग को मार्कशीट मिलेगा जिसमें आप लोगों को उसमें दिया हुआ रहेगा फर्स्ट पहले थर्ड कि कौन कौन से आपने कितना नंबर प्राप्त किया उसमें मिलेगा। इसके बाद हमारा सब जैक की ओर से चौथा मिलेगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आपको चौथा मिल जाएगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट। इसके साथ पांचवा डॉक्यूमेंट के रूप में मिलेगा माइग्रेशन, आपको छठा दसवां डॉक्यूमेंट मिलेगा माइग्रेशन। ये सब डॉक्यूमेंट आप लोग जैक की ओर से अर्थात कॉलेज की ओर से आप लोग प्राप्त किए जाएंगे, और साथ ही आप लोग को स्कूल से भी 2 डॉक्यूमेंट मिलेंगे, जिसमें से पहला डॉक्यूमेंट आप लोगों का हो जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट अर्थात चरित्र प्रमाण पत्र, और इसके बाद आप लोगों को स्कूल की तरफ से अगर आप मैट्रिक के विद्यार्थी होंगे तो उन्हें CNC अर्थात स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा, जबकि आप कॉलेज के होंगे 12th क्लास के विद्यार्थी होंगे तो उन्हें CNC अर्थात आपको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। इस तरह से आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वहां पर देगा, ऐसा रहेगा डॉक्यूमेंट आप इस वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने स्क्रीन में आपको दे दिया है, आप बारी बारी को स्क्रीन में देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिलेंगे। इस तरह से आप लोगों को स्कूल और कॉलेज में आप लोगों को 7 डॉक्यूमेंट लेना है। पहला बताए थे आपको रजिस्ट्रेशन, दूसरा बताए थे एडमिट कार्ड, तीसरा बताए थे मार्कशीट, चौथा बताए थे प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और पांचवा बताया थे आपको माइग्रेशन, और छठा बताया थे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र, और सातवां बताया थे CLC, और क्या कह रहा था आपको SLC। ये सब आपको मिलेंगे। हाँ, आपको CLC के लिए भी आपको एप्लीकेशन लिखना होगा, अगर आप एप्लीकेशन लिखने जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैंने आप लोग को एप्लीकेशन अपने इस डिजिटल मोड में दे दूंगा, आप उससे भी देखकर लिख सकते हैं। अगर आप मैट्रिक के कैंडिडेट होंगे तो आप लोग को एप्लीकेशन में सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक लिखना होगा, जबकि आप स्टूडेंट के कैंडिडेट होंगे तो आपको सेवा में प्राचार्य महोदय, और बाकी जो स्कूल का नाम होगा स्कूल का नाम देना होगा, सब्जेक्ट आपका रहेगा CLC या SLC निर्गत कर लीजिए। तो इसके बाद आपको महाजन सब ने निवेदन के साथ कहना है कि इसके बाद अपना नाम दे दीजिएगा, और अंत में आपको बता दीजिएगा कि जिससे आगे की नामांकन के लिए CLC की आवश्यकता या SLC की आवश्यकता है, इसीलिए आपको CLC निर्गत करने का कृपा किया जाए। इस तरह से आप लिख सकते हैं।
तो आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को शेयर कर सब्सक्राइब कर, मैं मिलेंगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और हाँ, मैं आप लोगों को ग्रेजुएशन में एडमिशन करने का भी तरीका बताऊंगी कि वहाँ पर एडमिशन करने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दिया या देना होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन में जाएगा, उसके बारे में जानकारी दूंगा अगले वीडियो में। मतलब